miss my mommy, mama, mommy, mama, mommy, mama. Oh God, I miss my mommy. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की क्रिस्पी और यम यम सी जलेबी। तो चल के स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया 150 ग्राम मैदा और इसमें डालूंगी 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 4 टीस्पून डाल दूंगी बेकिंग सोडा, 4 टीस्पून ही मैंने फूड कलर डाल दिया, ऑरेंज ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें। और इसको अब हम कर लेते हैं मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड कर दूंगी 4 टेबलस्पून दही। करने के बाद पानी ऐड कर देंगे 150 ml। बिस्मिल्लाह, हम इसको कर लेते हैं मिक्स कि इसका एक फाइन सा बैटर बन जाए। जनाब, हमारे जो जलेबी का बैटर है बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा थिक है। तो अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। मैंने ले लिया है एक सॉस पैन जिसमें मैंने डाल दिया है 2 कप शुगर और इसमें मैं डाल दूँगी 6-7 अदद हरी इलायची। इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 कप पानी और अब हम इसको रख देंगे चूल्हे पर। लेमन जूस और इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। ये देखें जनाब, चीज और अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है। सिर्फ 15-20 सेकेंड हम इसको मजीद थोड़ा सा पकने देते हैं। 15-20 सेकेंड के बाद मैं इसको कर दूंगी चूल्हे से रिमूव। इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, इसको हल्का सा बस गर्म रखना है ना। हमारा जो जलेबी का बैटर था इसको 30 मिनट्स हो चुके हैं कवर किए हुए रखे हुए। तो अब मैं ले लूँगी एक बॉटल जो मेरे पास ऑलरेडी थी, ठीक है। इसके अंदर हम जलेबी का जो बैटर है वो डाल लेंगे। अगर आपके पास बॉटल नहीं है तो आप एक कोई सा भी पाइपिंग बैग ले लें और उसको आगे से काट के उसकी शेप बना लें और उसको यूज़ कर लें। तो अब मैं इसको जो हूँ इसके अंदर डाल लूँगी पैन और इसमें डाल दिया कुकिंग ऑयल। अब इस कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। जनाब, तेल गर्म हो चुका है और अब हम बॉटल की मदद से बना लेंगे जलेबी। सो माशाल्लाह देखें, डालते ही वो ऊपर बिल्कुल आने लग गई है तेल के ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सबसे पहले हम डाल देते हैं। एकदम से जल्दी मत कीजिएगा पलटने में, नहीं तो फिर आपकी एक तो जलेबी भी टूटेगी और खस्ता भी नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा सब्र करें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सुभान अल्लाह, अमेजिंग। जी, अब हम इनको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद मैं शीरे में जो ऑलरेडी हल्का सा बस नीम गरम सा था उसमें डाल दूंगी। अभी निकाल देती हूँ और शीरे में डाल देती हूँ।
ये देखिए, जस्ट हमने इसको डिप किया, आप देख सकते हैं कि जो इसकी ट्यूब्स हैं इसमें ऑलरेडी शीरा जो है भरा जा चुका है, देखिए माशाल्लाह। सो इसको हम रख देते हैं इधर। सो बिस्मिल्लाह। इसी तरह सेम प्रोसेस से बाकी के बैटर से भी जलेबी बना लूंगी। जी जनाब, तैयार है हमारी मजेदार गर्मा गर्म और क्रिस्पी सी जलेबी। लुक एट द ट्यूब्स ऑफ जलेबी, आप देख सकते हैं। माशाअल्लाह, और इतनी मजे की क्रिस्पी हुई हुई है ना, ये देखिए। मैं आपको इसको खा के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। जी, और ये देखिए जनाब, इतनी मजे की जूसी और मजे की लग रही है। माशाअल्लाह। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। अस्सलामुअलैकुम।